Now next example based on array and pointer properties. के इसमें specially आप discuss करोगे array and string operations. ठीक है सर. Same example मैंने again copy किया from a book test your C skill written by S1 connect कर. इस केस में काफी interesting example है. सारे example में 1x1 इस book के discuss करूँगा जो भी आपके लिए important cases हैं. One more thing इस केस में इसे example के respect में आपके लिए output important case नहीं. Important case क्या है? Memory representation. जब इस program का execution different steps से perform हुआ then just इसके according में discuss करूँगा corresponding output और changes inside memory. Then आपको concentrate क्या करना है? Just memory representation. अगर आपको इसे एग्जांपल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं देन आपके लिए एमई से इस केस में आप बोल सकते हो आपको एरे और पॉइंटर का प्रॉपर्टी 99% केस में आप क्लियर मींस आपको मोस्ट ऑफ केस में कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा अगर आपको इस लेवल के एग्जांपल्स लेवल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर फर्स्ट वन सबसे पहले इस केस में एक एरे क्रिएट हुआ है एस स्पेशली याद रखना इस केस में एस क्या है एरे लेकिन इस केस में एरे के अंदर एलिमेंट किस टाइप के हैं स्ट्रिंग टाइप के नॉट स्ट्रिंग इस केस में एस क्या है एरे ट्रू लेकिन एस के अंदर एलिमेंट किस टाइप के कैर स्टार मींस पॉइंटर्स मींस एस इटसेल्फ क्या है एस इज अ एरे ऑफ पॉइंटर्स एस इज अ एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स क्लियर फाइनली कैरेक्टर पॉइंटर्स के अंदर है एरे के अंदर कितने कैरेक्टर पॉइंटर क्रिएट होंगे आपके पास टोटल स्ट्रिंग्स कितने हैं फोर डिफरेंट एनोनियमस स्ट्रिंग्स फोर डिफरेंट स्ट्रिंग के एड्रेसेस को होल्ड करने के लिए आपको पॉइंटर्स भी कितने रिक्वायर्ड हैं फोर डिफरेंट पॉइंटर्स तो इसलिए फोर पॉइंटर्स सेपरेटली क्रिएट नहीं करके फोर पॉइंटर्स का एक एरे क्रिएट हुआ मैं आपको अदर केस में डेप्थ में बता रहा हूं इसका जस्ट मीनिंग क्या है लाइक दैट कैर स्टार अगर आपने कोई पॉइंटर क्रिएट किया पी प्लस इसमें आसान क्या करा दिया स्ट्रिंग ब्लैक तो इस केस में स्ट्रिंग क्रिएट हुआ ब्लैक प्लस इस स्ट्रिंग का जो भी एड्रेस होगा समथिंग 100 और 200 आसानी के समझ जाएगा पी में सिमिलरली अगर आपके पास एक और स्ट्रिंग है लाइक दैट कैर स्टार क्यू देन इस केस में आसान करा स्ट्रिंग व्हाइट देन इस केस में इसका एड्रेस मैंने अज्यूम किया समथिंग 200 तो क्यू में क्या आसान होगा 200 टाइप से अगर आपके पास फोर स्ट्रिंग्स हैं तो आपको पॉइंटर्स भी कितने रिक्वायर्ड हैं फोर पॉइंटर्स तो फोर पॉइंटर्स क्रिएट ना करके फोर पॉइंटर्स का जस्ट आपके लिए एरे क्रिएट करना पॉसिबल है लाइक अ एरे प्लस एरे के रिस्पेक्ट में सेम स्ट्रिंग के एड्रेसेस आप आसान किस टाइप से करा सकते हो लाइक दैट P0 P1 P2 एंड सो ऑन क्लियर सेम केसेस केस में सिंगल स्टेटमेंट में इंप्लीमेंट हुआ मींस फाइनली इस केस में जस्ट एस क्या है एस इज अ एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स फाइनली इसे एरे के अंदर फोर एलिमेंट्स हैं फोर एलिमेंट किस टाइप के कैरेक्टर पॉइंटर टाइप का और एक सिंगल कैरेक्टर पॉइंटर किसी भी टाइप का पॉइंटर पॉइंटर का साइज क्या होता है 2 bytes तो टोटल इस केस में पॉइंटर्स कितने क्रिएट हुए फोर पॉइंटर के रिस्पेक्ट में इसका साइज क्या हुआ जस्ट 2 × 4 = 8 byte अगर पॉइंटर का साइज 2 byte है अकॉर्डिंग टू 16-bit सी कंपाइलर देन इस केस में एक सिंगल प्लेस का या सिंगल ब्लॉक का साइज क्या है 2 bytes मीन्स टोटल इस ब्लॉक का साइज क्या हुआ जस्ट 8 byte इस ब्लॉक का कंप्लीटली नेम क्या है एस सपोज दैट ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है 1000 देन नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा 1002 स्पेशली यार रखना एस के अंदर कोई कैरेक्टर क्रिएट नहीं है कैरेक्टर्स के पॉइंटर्स क्रिएट हुए हैं पॉइंटर का साइज क्या था 2 bytes इसलिए एड्रेस में भी डिफरेंस कितने का है जस्ट 2 bytes का 1006 नेक्स्ट वन लेकिन इस केस में अभी कोई एलिमेंट इनिशियलाइज नहीं हुआ एलिमेंट किस टाइप से इनिशियलाइज होंगे ऐसा नहीं कि इस केस में डायरेक्टली आप ब्लैक स्टोर करा दो देन व्हाइट देन पिंक लाइक दैट देन इस केस में जस्ट ब्लैक को रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा एरिया के अंदर क्रिएट किया हुआ एनोनियमस स्ट्रिंग एनोनियमस स्ट्रिंग मींस नेमलेस स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं 5 तो साइज क्या हुआ 6 byte क्योंकि स्ट्रिंग टर्मिनेट किससे होंगे नल कैरेक्टर तो फर्स्ट केस में स्ट्रिंग में जस्ट आसान क्या हो जाएगा कैरेक्टर्स आर व्हाइट इस एंड टर्मिनेटेड बाय नल अगर इसे स्ट्रिंग का और कैरेक्टर एरे का एड्रेस 100 है देन नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है 101 102 एंड सो ऑन क्लियर देन फाइनली जहां मैंने स्ट्रिंग यूज किया ब्लैक ब्लैक के प्लेस पर रिप्लेस किया हो जाएगा इसे स्ट्रिंग का बेस एड्रेस और एड्रेस क्या है इसका जस्ट 100 दिस इज द फर्स्ट केस सिमिलरली सेकेंड स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करेंगे व्हाइट व्हाइट के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और कैरेक्टर्स कितने अगेन 5 अगेन 6 byte का एक ब्लॉक क्रिएट होगा इस 6 byte के ब्लॉक में जस्ट कॉपी किया हुआ कंटेंट्स ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग विच इज व्हाइट देन टर्मिनेटेड बाई नल अगर इसका बेस एड्रेस 200 है तो नेक्स्ट बाइट का एड्रेस क्या 201 202 एंड सो ऑन क्लियर सिमिलरली इस प्लेस पर सेकंड प्लेस पर एरे इनिशियलाइजर लिस्ट में रिप्लेस क्या हो जाएगा एड्रेस ऑफ सेकंड स्ट्रिंग विच इज 200 वाइट के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो स्ट्रिंग वाइट का बेस एड्रेस सेम है थर्ड केस में रिप्रेजेंट क्या करेंगे स्ट्रिंग पिंक
और वायोलेट। पिंक स्ट्रिंग के केस में टोटल 4 कैरेक्टर्स हैं, टर्मिनेट किससे हुआ नल से, तो टोटल साइज क्या हुआ इस केस में 5 बाइट्स। देन पी आई एन के टर्मिनेटेड बाई नल। अगर इसका एड्रेस 300 है, नेक्स्ट बाइट का एड्रेस क्या हो, 301, 302, 303 एंड सो ऑन। फाइनली थर्ड प्लेस पर इनिशियलाइज लिस्ट में क्या पास होगा, 300, सेम एज वायोलेट। वायोलेट के केस में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, 6, तो स्ट्रिंग का साइज क्या होगा, 7 बाइट्स, क्योंकि टर्मिनेट किससे हुआ नल से। क्लियर, मीन्स इस टाइप से टोटल इस केस में इन स्ट्रिंग्स को, मीन से स्ट्रिंग इटसेल्फ एज ए सिंगल एरे स्टोर होंगे, सेपरेट एरे क्रिएट होंगे, सभी स्ट्रिंग के लिए सेपरेट एरे क्रिएट होगा, तो सेपरेट एरे तो सभी एरे के एड्रेस भी कैसे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के एड्रेस को स्टोर कराने के लिए आपको टोटल कितने पॉइंटर्स रिक्वायर्ड होंगे। इस केस में टोटल आपके पास एड्रेस कितने, एरे कितने, 4 स्ट्रिंग एरे और कैरेक्टर एरे, 4 कैरेक्टर एरे के एड्रेसेस को स्टोर कराने के लिए पॉइंटर्स भी कितने रिक्वायर्ड होंगे, 4 पॉइंटर्स। तो इस केस में 4 पॉइंटर वेरिएबल सेपरेटली क्रिएट न करके सिंपली 4 पॉइंटर्स का एक एरे क्रिएट किया है, इसे एरे का नाम क्या, जस्ट एस। तो फोर्थ प्लेस पर फोर्थ स्ट्रिंग का बेस एड्रेस क्या रिप्लेस हुआ, जस्ट 400। क्लियर, देन जो भी एड्रेस स्ट्रिंग के प्लेस पर रिप्लेस हुए हैं, एड्रेस आसान किस में जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग एरे के अंदर। तो एरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट किस प्लेस पर आसान होगा, 0 इंडेक्स में। 0 इंडेक्स में कैसा होगा, 0 इंडेक्स 1, 2, 3। 0 इंडेक्स में कैसा होगा, 100। यानी पॉइंटर इमीडिएटली इस लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट करे। सेम एज सेकंड प्लेस पर कैसा हो रहा है, 200, क्यों सेकंड प्लेस पर पास क्या हुआ, 200। किस इंडेक्स में आसान होगा, इंडेक्स 1 में। देन सेम एज सेकंड पॉइंटर सेकंड एरे को पॉइंट करेगा और सेकंड स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा। सेम एज थर्ड प्लेस पर सेकंड इंडेक्स में कैसा होगा, 300, पॉइंट किसको करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट। सेम एज 400। क्लियर, दिस इज अप टू नाउ। मिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग टोटल कैरेक्टर एरे का एक सॉरी कैरेक्टर पॉइंटर्स का एरे क्रिएट हुआ है। एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने, 4 एलिमेंट, इसलिए इसे एरे का साइज क्या हो, 8 बाइट। इस केस में साइज ऑफ के थ्रू एस का साइज भी डिस्प्ले करा है, तो एस का साइज क्या डिस्प्ले होना चाहिए, जस्ट 8 बाइट। प्लस ए स्ट्रिंग एज अ 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट हुआ है, एज अ 1 डायमेंशनल एरे, एज अ 1 डायमेंशनल एरे सेपरेटली इंडिपेंडेंटली। मीन्स इस केस में बोलना पॉसिबल नहीं होगा कि इनके एड्रेस कंटिन्यूस होंगे डिसकंटिन्यूस होंगे, मे बी कंटिन्यूस मे बी डिसकंटिन्यूस। क्लियर, लाइक दैट। इसलिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस यूज किया, 100, 200, 300 और 400। देन सेकंड केस, सेकंड केस में अगेन बात करें पी, पी की बात करें तो पी इस केस में क्या, पी अगेन एरे, पी के इस केस में अगेन एरे, लेकिन इस एरे के अंदर एलिमेंट किस टाइप के हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर, मीन्स डबल पॉइंटर। मीन्स इस एरे के अंदर अगेन पॉइंटर्स क्रिएट हुए, प्रीवियस एरे के अंदर भी क्रिएट किए हुए थे पॉइंटर्स। क्लियर, लेकिन इस केस में अगेन क्या क्रिएट हो, पॉइंटर्स, लेकिन पॉइंटर कैसे, पॉइंटर टू पॉइंटर, मीन्स अगेन किसी पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करेंगे। लेकिन इस केस में फर्स्ट प्लेस पर क्या पास हो रहा है, एस प्लस 3, तो एस क्या ऐसे एरे का नेम और एस के प्लेस पर, मीन्स किसी भी एरे नेम के प्लेस पर रिप्लेस किया था एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, फर्स्ट एलिमेंट मीन्स दैट प्लेस। और इसे एलिमेंट का एड्रेस क्या, 1000। इसे एलिमेंट का साइज क्या, मीन्स एलिमेंट इटसेल्फ क्या, पॉइंटर, पॉइंटर का साइज क्या, 2 बाइट्स। इस प्लेस पर क्या आएगा, जस्ट मीन्स एड्रेस 1000, इस प्लेस पर रिप्लेस किया हुआ 1000 प्लस 3, लेकिन 1000 इटसेल्फ कितने बाइट का एड्रेस है, 2 बाइट्स का, तो इसलिए इस केस में इंक्रीमेंट भी कितने से होगा, मल्टीप्लाई बाई 2, तो फाइनली क्या आएगा, 1000 प्लस 6। मीन्स एरे के अंदर फर्स्ट प्लेस पर क्या पास होगा, 1006। सेकंड केस में 1000 में, मीन्स अगेन एस के प्लेस पर 1000 आएगा, ऐड क्या हो रहा है, 2, मीन्स मल्टीप्लाई 2, क्या इंक्रीमेंट कितने से होगा, 4 से, तो इस प्लेस पर क्या आ जाए, 1004। सिमिलरली 1002 एंड एस के प्लेस पर क्या आएगा, सिंपली 1000। क्लियर, तो अगेन एरे क्रिएट हुआ है। इस केस में पी क्या है, एरे, तो पी के रिस्पेक्ट में एक और एरे क्रिएट कर लेंगे, और इस एरे के अंदर अगेन कितने एलिमेंट्स क्रिएट हुए, एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स। लेकिन इसे एरे के अंदर स्टोर क्या हो रहा है, किसी एग्जिस्टिंग पॉइंटर का एड्रेस, एरे का नेम मैंने प्रोवाइड किया पी, याद रखना पी इस केस में एरे, इसलिए पी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। पी के केस में इंडेक्स क्या, 0, 1, 2, 3। एज्यूम कर लो इस केस में अगेन इस एरे का बेस एड्रेस मैंने एज्यूम किया 2000, तो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या हुआ, 2002, क्योंकि इस केस में क्रिएट किया हुआ है पॉइंटर्स और सिंगल पॉइंटर का साइज 2 बाइट है, तो उस केस में एड्रेस में डिफरेंस कितने का हुआ, जस्ट 2 का। फर्स्ट प्लेस पर इस एरे के अंदर 0 इंडेक्स में कैसा हो जाएगा, 1006। 1 इंडेक्स में कैसा हो जाएगा, 1004। नेक्स्ट वन इंडेक्स 2 में कैसा हो जाएगा, 1002। नेक्स्ट वन फाइनली 1000। तो इस केस में चेक कर सकते हो, इस एरे पी का फर्स्ट पॉइंटर
एरे एस के किस एलिमेंट को पॉइंट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट में से 1006 किसका एड्रेस है, लास्ट एलिमेंट का, तो इससे पॉइंट क्या होगा, जस्ट लास्ट एलिमेंट मींस लाइक दैट, इट इज पॉइंटिंग दैट प्लेस। सेम एज सेकेंड पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट। थर्ड पॉइंटर किसको पॉइंट करा, थर्ड मींस वन इंडेक्स, देन लास्ट, सॉरी इस केस में थर्ड पॉइंटर कौन सा है, मींस दैट वन, इट इज पॉइंटिंग दैट एलिमेंट। सिमिलरली लास्ट एलिमेंट किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को, लाइक दैट। जैसे रिवर्स ऑर्डर में एरे के पॉइंटर्स अगेन पॉइंट होना स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड केस में क्रिएट किया हुआ है ट्रिपल पॉइंटर पीपी, तो पीपी के रिस्पेक्ट में पीपी का साइज क्या हुआ, जस्ट 2 bytes, लेकिन पीपी के अंदर क्या स्टोर होगा, जस्ट किसी ट्रिपल पॉइंटर का एड्रेस। मीन्स इस केस में क्या पॉइंटर टू पॉइंटर एरे, जैसे एरे के अंदर एलिमेंट किस टाइप के, पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कराने के लिए रिकॉर्ड किया हुआ ट्रिपल पॉइंटर, इसलिए पीपी का टाइप यूज किया ट्रिपल पॉइंटर। नेक्स्ट वन, इस पर्टिकुलर केस में pp में असाइन क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ pp से एरे का नेम है, तो एरे नेम के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। मीन्स इस एलिमेंट का एड्रेस के 0th इंडेक्स एलिमेंट का एड्रेस क्या है, 2000, प्लस ये एड्रेस भी अगेन कितने बाइट्स का एड्रेस रिप्रेजेंट हो, जस्ट 2 bytes, क्योंकि इस एलिमेंट का साइज क्या है 2 byte, तो इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा 2000, और 2000 किस प्लेस पर असाइन हो रहा है, इनसाइड डबल ट्रिपल पॉइंटर pp 2000, तो pp उस लोकेशन को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस 2000 मीन्स दैट प्लेस। क्लियर, मीन्स ये पीपी एरे पी के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में इस लोकेशन का अदर नेम क्या हो जाएगा, स्टार पीपी। क्लियर, इस प्लेस का नेम क्या हुआ, स्टार पीपी, प्लस स्टार स्टार पीपी किस लोकेशन का नेम हुआ, जिसका एड्रेस 1006 है। जस्ट इसको अभी रिजोल्व करेंगे। नेक्स्ट वन, इससे पहले पीपी में 2000 असाइन होने के बाद परफॉर्म क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट इन पीपी, पीपी में जब वन से इंक्रीमेंट कराओ इस पॉइंटर की केस में कितने बाइट्स पॉइंट हो रहा है, 2 bytes, तो इंक्रीमेंट भी कितने से हुआ, 2 से, 2000 प्लस 2 बिकम्स 2002। नेक्स्ट टाइम पीपी अब किसको पॉइंट करेगा, उस लोकेशन को पॉइंट करेगा जिसका मेमोरी एड्रेस 2002 है। क्लियर, मींस दैट प्लेस। नेक्स्ट वन, अब इस केस में जस्ट प्रिंट एप के थ्रू डिस्प्ले क्या कराया गया है, साइज ऑफ एस, साइज ऑफ पी, साइज ऑफ पी की बात करें तो इस केस में पी के एरे नेम, इस एरे का साइज क्या है 8 byte, तो पी के प्लेस पर साइज क्या है, जस्ट 8। साइज ऑफ एस, एस भी एरे का नेम, इस एरे का भी साइज क्या है, ऑल्सो 8 bytes, लेकिन आपके इस केस में इंपॉर्टेंट केस क्या है, व्हाट इज द वैल्यू, इस प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, इन प्लेस ऑफ स्टार स्टार पी पी प्लस वन, इसको रिजोल्व कर सकते हैं 1 by 1, जस्ट पीपी के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाए, ऑलरेडी मैं आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, अगर किसी लोकेशन का एड्रेस एन है तो उसी लोकेशन का अदर नेम क्या हुआ, स्टार एन। जब भी किसी एड्रेस के लिए स्टार ऑपरेटर अप्लाई करते हैं उस प्लेस पर रिटर्न क्या होता है, वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस लोकेशन का एड्रेस 100 है और मैं अप्लाई करता हूँ इसका वैल्यू क्या, समथिंग 10, अगर मैं अप्लाई करता हूँ स्टार 100, तो स्टार 100 क्या देगा, वैल्यू ऑफ 100 लोकेशन विच इज 10, लाइक दैट। तो सेम प्रॉपर्टी जस्ट अभी इस केस में यूज करेंगे, पीपी क्या सिंपली वेरिएबल नेम, इसके प्लेस पर रिप्लेस क्या करें, वैल्यू ऑफ पीपी विच इज 2002 plus 1। नेक्स्ट टाइम हाइएस्ट प्रायोरिटी किसका, इस केस में प्लस का है, यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर स्टार, तो स्टार 2002 किस लोकेशन का नेम हुआ, जिस लोकेशन का एड्रेस 2002 है, 2002 इस लोकेशन का एड्रेस है, इस लोकेशन का नेम क्या हुआ इसके अकॉर्डिंग, जैसे इस लोकेशन का एड्रेस क्या है 2000, तो इसका नेम क्या हो सकता है, स्टार 2000। सेम है सेकंड प्लेस का नेम क्या हुआ, स्टार 2002। थर्ड प्लेस का नेम क्या हुआ, स्टार 2004। सिमिलरली स्टार 2006, इस केस में इसे एलिमेंट का नेम क्या हो सकता है, इसका एड्रेस क्या है 1000, तो इसको नेम क्या दोगे, स्टार 1000, देन सेम एज पॉइंटर्स को मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ डायरेक्शंस को, स्टार 1000 स्टार 1002, क्योंकि इसका एड्रेस क्या है 1002, थर्ड एलिमेंट का एड्रेस क्या है 1004, तो इसका नेम क्या है स्टार 1004 स्टार 1006। फाइनली इसको प्रोसेस करते हैं, स्टार 2002 के प्लेस पर क्या रिप्लेस कराएंगे, स्टार 2002 का वैल्यू, इस प्लेस पर वैल्यू क्या है 1004, तो सिंपली इसे स्टार 2002 के प्लेस पर रिप्लेस क्या कर सकते हो, स्टार सॉरी ओनली क्या रिप्लेस होगा 1004, ऑलरेडी वन स्टार अप्लाइड हो रहा है, देन प्लस वन, अगेन स्टार 1004 के प्लेस पर अगेन क्या रिप्लेस करें, स्टार 1004 का वैल्यू, और स्टार 1004 उस लोकेशन का नेम होगा जिसका एड्रेस 1004 है, और इस प्लेस पर वैल्यू क्या फाइंड हुआ 300, तो फाइनली इस प्लेस पर लास्ट में क्या रिप्लेस होगा 300, 300 में ऐड क्या कराएं 1, चेक करो 300 किसका एड्रेस है, इट इज एड्रेस ऑफ वन डायमेंशनल एरे, इस एरे के अंदर कंटेंट्स क्या है पिंक, इसका एड्रेस क्या 300,
प्लस इसे एड्रेस के अंदर या इसे एरे के अंदर एलिमेंट का साइज क्या है 1 byte, तो इसे एड्रेस में जब भी इंक्रीमेंट कराओ तो इंक्रीमेंट भी कितने से होगा ओनली 1 से, तो इस केस में 3001 ऐड कराएंगे तो फाइनली क्या मिलेगा आपको 300 में 1 ऐड कराओ तो क्या मिलेगा 301। फाइनली इसे स्ट्रिंग के प्लेस पर सॉरी इसे एक्सप्रेशन के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो रहा है 301 अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। परसेंटेज क्या करेगा स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेगा, तो स्ट्रिंग किस प्लेस से डिस्प्ले होना स्टार्ट होगा फ्रॉम गिवन एड्रेस, और एड्रेस क्या गिवन है इस केस में 301, तो 301 से जब प्रिंट करेगा 301 में क्या फाउंड हो रहा है कैरेक्टर आई, तो सबसे पहले फर्स्ट केस में क्या डिस्प्ले होगा इसे इसका आउटपुट जब डिस्प्ले कराओगे तो फर्स्ट केस में डिस्प्ले क्या कराओ परसेंटेज के अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अकॉर्डिंग 301 से वैल्यू रीड करना स्टार्ट करें, सबसे पहले क्या आएगा आई, सेकंड प्लेस पर नेक्स्ट प्लेस पर क्या है एन, देन अगेन नेक्स्ट प्लेस पर क्या है के, जैसे रीड कब तक करेगा जब तक इसको नल नहीं मिल जाता, फोर्थ केस में क्या मिला फाउंड कर रहा नल यानी रीड करना स्टॉप कर दिया। फाइनली इस केस में इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या प्रिंट हुआ इंक, सेकंड प्लेस पर साइज ऑफ एस 8, साइज ऑफ पी ऑल्सो 8, दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ गिवन एग्जाम्पल। अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस केस में इस प्रोग्राम का आउटपुट इंपोर्टेंट केस नहीं, इंपोर्टेंट केस क्या डायग्राम, अगर आप इस टाइप के लेवल में से इस लेवल पर अपना प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सेम डायग्राम आप एक बार खुद से क्रिएट करोगे देन आपके लॉजिक्स ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएंगे।